बच्चों, मैं मंजू मीणा। आज हम इस वीडियो में VSEPR थ्योरी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूनिट 3 का टॉपिक है। कुछ एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और कुछ एग्जांपल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आगे हम हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं, H3O प्लस आयन, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। इसकी संरचना जो है वो NH3 की भांति त्रिभुजीय पिरामिडीय होती है और प्रोटॉन के साथ एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बंदी हो जाने के कारण इसमें लोन पेयर प्रतिकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे बॉन्ड एंगल अमोनिया से थोड़ा ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगी, पिरामिडिया NH3 के जैसे बनाते हैं हम, वैसे ही रहेगी। XeF2, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बात करें XeF2 की, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड हम इसे बोलेंगे। ज़ीनॉन के आपको पता है बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं नोबल गैसेस में ज़ीनॉन के, और ये यूनिट आपके सिलेबस में भी है, जो हम पांचवी यूनिट है जो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड ज़ीनॉन बनाता है। इसमें अभी हम फिलहाल XeF2 के बारे में बात करते हैं। तो आपको XeF2 का संकरण पता है बच्चों, sp3d होता है। हमने संकरण के जब पढ़ा था तब हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी। हम VSEPR सिद्धांत से हम इसके अणु की शेप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से शेप होगी। शेप में हम केवल क्या देखेंगे, बॉन्ड पेयर्स देखेंगे। ज्योमेट्री में हम LP प्लस BP दोनों देखते हैं। तो इसका संकरण हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए ज़ीनॉन होता है, इसमें ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक, वो होता है 5s2 5p6। डी वेकेंट है हमारे पास। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर यहाँ पर चला जाएगा और हमारे पास दो और युग्मित बनाने के लिए फ्लोरीन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और जो संकरण है वो sp3d हो गया इसका मॉलिक्यूल का। तो आपने देखा यहाँ पर दो तो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं और तीन लोन पेयर्स हैं। तो जैसा हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं या शेप देख रहे हैं कि मैंने बनाई है, यहाँ पर तीन इसमें लोन पेयर्स हैं और दो बॉन्ड पेयर्स हैं। तो XeF2 की जो शेप है वो कैसी हो गई, रेखीय। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ICl2 माइनस में आपको पता है कि संकरण क्या होगा, sp3d होगा, निकाल चुके हैं आप लोग, आपको आता है निकालना, और नहीं आता है तो पिछले वीडियो आप देखकर इसे निकालना सीखें, क्योंकि संकरण के बगैर आपको शेप निकालनी नहीं आएगी बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं ICl2- जो है वो रेखीय ही होता है। ICl2 इस तरह से बनेगा, इसमें भी तीन लोन पेयर होंगे और ये जब LP जो है इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, भूमध्य है, और ये वाली जो पोजीशन होती है उनको हम बोलते हैं अक्षीय, एक्सियल पोजीशन। तो इस स्थिति में जो लोन पेयर प्रतिकर्षण बल है
वो मिनिमम होता है। हमने ये लोन पेयर इसी पोजीशन में रखा, इसकी एक शेप ये भी हो सकती है कि दो ये एक्सियल पोजीशन में भी हो सकते हैं, दो एक्सियल इक्वेटोरियल में भी हो सकते हैं, लेकिन वो वाली जो संरचना होती है इसकी आईसीएल टू माइनस की, वो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उन जो स्ट्रक्चर है उनमें प्रतिकर्षण बल जो हम देखेंगे तो ज़्यादा होगा, बजाय इस वाले स्ट्रक्चर के। तो ये वाली स्ट्रक्चर आईसीएल टू माइनस की रेखीय जो है शेप, वो ज़्यादा स्थायी है। और इसके जैसे ही आईसीएल टू माइनस भी होगा और सेम ऐसा एक्सईएफ टू भी होगा। एक्सईएफ टू तो मैंने डिस्कस किया ही है, सेम ही हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो संरचना है वो IF5 अणु के बारे में डिस्कस करते हैं। IF5 जो है उसमें संकरण sp3d2 होगा और शेप कैसी होगी, वर्ग पिरामिडी है, स्क्वायर पिरामिडल हम इसको बोलेंगे, इस तरह से बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। और इसके बाद हम जीनोन का कंपाउंड जो है XeF4, जिसे हम बोलेंगे जीनोन टेट्रा फ्लोराइड। इसमें संकरण की बात करें तो संकरण क्या होगा, sp3d2। और शेप की बात करते हैं अब, तो शेप जीनोन टेट्राफ्लोराइड में कैसा होगा, स्क्वायर प्लानर, दो इसमें लोन पेयर होंगे और चार बॉन्ड पेयर्स होंगे। बॉन्ड पेयर्स में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ऐसे ही सेम जो स्ट्रक्चर है वो BrF4- और ICl4- की भी होगी। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं जीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड XeOF2। XeOF2 में संकरण जो होगा वो होगा sp3d संकरण। इसमें दो बॉन्ड पेयर्स ये हैं F से और रिमेनिंग ऑक्सीजन से है, एक पाई बंद है, दो लोन पेयर्स हैं। तो इसकी संरचना जो होती है जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, XeOF2 को जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, टी शेप इसकी संरचना होगी। XeOF4 को कैसे कहेंगे हम, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, और इसका संकरण जो होगा बच्चों वो होगा sp3d2 संकरण, और शेप जो होगी वो वर्ग पिरामिड ये होगी। एक्सी बीच में होगा, चारों स्क्वायर के कॉर्नर्स पे FF होंगे और ऊपर एक्सियल उसमें ऑक्सीजन होगा, एक लोन पेयर होगा नीचे की तरफ, दो बॉन्ड ऊपर नीचे होंगे जिसमें एक ऊपर और एक लोन पेयर नीचे की तरफ, वर्ग पिरामिड ये संरचना इसको हम कहेंगे। देन XeO2F2 इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, जीनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, संकरण sp3d हो गया इसका, और शेप कैसे बनेगी इसकी, देखिए F यहां पर लगेंगे एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑक्सीजन होंगे और एक लोन पेयर होगा। इसको हम या तो विकृत चतुष्फलकीय भी कह सकते हैं, या फिर हमने एक नाम और जैसे SF4 पढ़ा था हमने पहले उसकी तरह, तो ये सीसॉ भी हो बोलते हैं इसको। और इस ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पोजीशन में ही होगा हमेशा। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं जीनोन का, XeO3
जिसको हम क्या कहेंगे, जिनॉन ट्राईऑक्साइड। इसका संकरण होगा sp3 ट्रायगोनल पिरामिडल इसका शेप होगा। कैसे इसको निकालेंगे हम, ये देखिए जिनॉन का जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 5s2 5p6। फिर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होगा और हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 तो डी इलेक्ट्रॉन डी पाई पी पाई बंद में प्रयुक्त होंगे और ये वाले जो हैं इनसे sp3 संकरण हुआ बना, जिसमें एक lp है हमारे पास, जैसा हम शेप में भी देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, इसमें बुक में भी दिए हुए हैं, तो आप इनकी एक एक एग्जाम्पल लेके पहले तो आप संकरण निकालिए और उसके बाद आप उसकी VSEPR थ्योरी के आधार पर शेप देखिए। शेप में हमें क्या करना है कि जो रूल्स मैंने बताए थे वो ध्यान में रखने हैं, 4-5 रूल जो शुरू वाले वीडियो में हमने बात करी थी, उसमें हम यही देखते हैं कि लॉन पेयर का जो प्रतिकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और वॉल्यूम जो है लॉन पेयर है वो ज़्यादा घेरता है, इसलिए इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए रिपल्शन भी इसका ज़्यादा होता है। तो लॉन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है बजाय लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो होगा वो बॉन्ड पेयर्स में होगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।